अगर हम बात करें ब्लॉक ए है हमारे पास ये, तो ब्लॉक ए के अंदर कितने कंप्यूटर है? सबसे पहले जब भी आपको कंबाइन वो करना होता है, लेआउट डिजाइन करना होता है, ठीक है, नेटवर्क में, तो हम दो टोपोलॉजी का ही यूज करते हैं, या तो स्टार टोपोलॉजी का या बस का, सबसे बेस्ट यही है हमारे पास, ठीक है। तो क्वेश्चन में या तो हम स्टार का यूज करेंगे या बस का यूज करेंगे। तो सबसे पहले अगर स्टार का करते हैं, तो स्टार का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जहां पर सबसे ज्यादा कंप्यूटर है जिस ब्लॉक में, उस ब्लॉक को सर्वर बनाओ और उस ब्लॉक से ही बाकी सबको कनेक्ट करो। तो अगर इसमें देखें, सबसे ज्यादा कंप्यूटर हमारे पास बी वाले ब्लॉक में है, 150 कंप्यूटर। तो लेआउट डिजाइन करने में कोई वो नहीं, बी वाले को हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे सर्वर रखेंगे, यहाँ पे 150 कंप्यूटर है और बी से ही हम बाकी सबको कनेक्ट करेंगे। ये हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को कनेक्ट करने में हमारे पास, जब हम अगर स्टार टोपोलॉजी का यूज कर रहे, तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है कि इससे अगर हमने बना दिया यहाँ पे हमारी कोस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। कोस्टिंग किस केस में हो जाएगी कि वायर ज्यादा लगेंगे हमारे पास, ठीक है भाई। वायर क्या लगेंगे, अगर ए से बी के बीच की डिस्टेंस देखा जाए तो 340 मीटर यहीं पे लग गए हमारे पास, और बी से सी के बीच में अगर देखा जाए तो 120 मीटर की वायर लग रही है हमारे पास, और बी से डी के बीच में देखा जाए तो 150 मीटर की वायर हमारे पास यहाँ पे लग रही है। तो आपके पास 340 प्लस 120 प्लस 150, ठीक है, 34, 12, 46, 46 और 15, 610 मीटर की वायर लगी। अगर आपसे कहा जाए कि वायर की कॉस्ट 20 रुपए मीटर है, 20 रुपए मीटर हमारे पास वायर है, 20 रुपए पर मीटर, ठीक है, तो ये 610 इंटू 20 तो कितना हो गया, 1220 रुपए की होगी कॉस्टिंग आपके पास पड़ेगी, ठीक है। लेकिन स्टार टोपोलॉजी यूज करने से क्या होती है, नेटवर्क की परफॉर्मेंस बढ़ती है। कोस्टिंग तो आपकी यहाँ पे आ रही 1220 रुपए की वायर, ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस, क्योंकि सर्वर जिस सिस्टम जिस उसमें होगा, ब्लॉक के अंदर होगा, वहां पे ज्यादा कंप्यूटर होंगे, ज्यादा कंप्यूटर है तो उनको उनके पास डेटा जल्दी पहुंच जाएगा, बाकी जगह कम कंप्यूटर है, ठीक है, तो हमारे पास इफिशेंसी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आपको कॉस्टिंग को ध्यान रखना, कि कॉस्टिंग हमारे पास मिनिमम हो, ऐसे तो आप देखेंगे परफॉर्मेंस के हिसाब से स्टार टोपोलॉजी बनी, लेकिन आपसे कहा 10 रुपए मीटर वायर है, लेकिन मिनिमम वायर का यूज करना, मिनिमम अमाउंट का यूज करना, तब आप इसको कनेक्ट करो और बताओ कौन सी टोपोलॉजी लगेगी। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, उस केस में जो भी मिनिमम डिस्टेंस बनती है उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। अब यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, तो हमारे पास देखो बेटा, ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी है, ब्लॉक जहां पे बने हुए हैं वहीं रहेंगे, ब्लॉक की पोजीशन चेंज नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है, पोजीशन हमारे पास वहीं रहेगी। ये सी है, ये डी है। अब यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं कि इसमें मिनिमम डिस्टेंस सबसे पहले क्या है, 70 मीटर की है, ठीक है, तो मिनिमम 70 मीटर है, 70 मीटर ए से और सी के बीच में दी हुई है, 70 मीटर ए और सी के बीच की है, तो आप पहले ए और सी को मिला दिया 70 मीटर का। उसके बाद नेक्स्ट डिस्टेंस है हमारे पास सी और डी के बीच में 100 मीटर की, तो सी और डी के बीच में हमने 100 मीटर की डिस्टेंस ये लगा दी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बी और सी के बीच में 120, तो बी और सी अगर हमने मिलाया यहाँ पे 120, तो ये हमारे पास कौन सी टोपोलॉजी बन गई, ये भी तो स्टार ही बन गई, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी हमारे पास क्या बन गया, स्टार बन गया। लेकिन स्टार टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सर्वर वहां होगा जहां सबसे ज्यादा कंप्यूटर है। अब यहाँ पे सर्वर किस जगह हो गया, अब कहाँ लगाना पड़ेगा आपको, C
सी में लगाना पड़ेगा। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास स्टार टोपोलॉजी का कंट्राडिक्शन कर दी है भाई। स्टार टोपोलॉजी तो ये कह रही है कि सर्वर जो है अब जो है वो आपको बी में लगाना है, लेकिन अगर मिनिमम कॉस्ट कर रहे हैं आप तो आपका अब सी में पड़ जा रहा है। अब सी में ऐसे तो स्टार बना नहीं सकते, स्टार बनानी तो बी से कनेक्ट करने, और बी से कनेक्ट अगर हम कर रहे हैं तो कॉस्ट हमारी बहुत ज्यादा बन जा रही है। तो अब यहाँ पर क्या ऑप्शन किया जाए भाई, ऑप्शन ये किया जाए कि हम दूसरा कोई तरीका करें। ये हमारे पास कितना था पहला 70 था, ये वाली लाइन करने में प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास, स्टार बन जा रही है। तो हम स्टार की जगह अब क्या यूज करेंगे, क्योंकि स्टार से मिनिमम कॉस्ट नहीं बन रही थी, वो हमने देख लिया था 610 मीटर वायर लग रही थी, ठीक है। अब अगर मैं इसको बस बनाता हूँ, बस में एक ही वायर होता है, ठीक है, वायर एक ही होता है हमारे पास, सीधा चलेगा। तो या तो अब आप इससे इसको कनेक्ट कर सकते हैं या इससे इसको कनेक्ट कर सकते हैं, एक ही लीनियर लाइन में कनेक्ट होनी चाहिए हमारे। अगर इसको इससे कनेक्ट करेंगे तो 340 मीटर लगेगा, वो हो नहीं सकता। इसको इससे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना लग रहा है, बी से डी को कनेक्ट करने में 150 मीटर। तो हम ये वाला लेआउट डिजाइन करेंगे इसका, ये वाला नहीं करेंगे, 30 मीटर हमें एक्स्ट्रा वायर लेनी पड़ेगी। बस टोपोलॉजी ऐसे बनेगी, इसको करने से स्टार ही बन जाएगी हमारे पास। और स्टार वो गलत कॉन्सेप्ट पे दे रही है, क्योंकि स्टार के अकॉर्डिंग बी में सर्वर होना चाहिए, ऐसे बनाने से सी से हो जा रहा। तो स्टार का कॉन्सेप्ट भी फॉलो नहीं कर रही है हमारे पास, ठीक है, तो उससे भी हमें फायदा नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह का ही लेआउट लेना पड़ेगा, और इस लेआउट में हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बस टोपोलॉजी करेंगे। और इस केस में हमारे पास टोटल वायर 70 मीटर, 100 मीटर और 150 मीटर, यानी 250 ये होगी, और 70 ये 320 मीटर की वायर लगेगी। अगर 10 रुपये मीटर है या 20 रुपये मीटर है तो यहाँ पे हमारे पास 640 रुपये की कॉस्ट आएगी, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना, ये वाला नहीं बनाएंगे, ये बस नहीं बनाएगा, ये स्टार बना देगा, ठीक है। और स्टार का कॉन्सेप्ट जो है वो फिर फॉलो नहीं हो पाएगा। तो कंट्राडिक्शन इस क्वेश्चन में हमारे पास उस केस में बन जा रही है, ठीक है। तो हम टोपोलॉजी तो कोई सी भी यूज कर सकते हैं, टोपोलॉजी भी यूज भाई मैश टोपोलॉजी में। तो बेटा मैश टोपोलॉजी तो हम बनाते नहीं, नेटवर्क में बहुत ज्यादा वायर लग जाती है, उनका फायदा क्या है, वो केवल तभी यूज करते हैं हम अगर हमें रिलायबिलिटी पे जाना है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे पास कौन सी टोपोलॉजी सबसे ज्यादा रिलायबल है, मतलब आपकी गारंटी रहती है कि डेटा ट्रांसफर होके ही रहेगा अगर कोई एक दो वायर आपके खराब भी हो गए, ठीक है, तो उस केस में ही हम मैश टोपोलॉजी का यूज करेंगे। वैसे अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से देखे जाए तो स्टार टोपोलॉजी, अगर मिनिमम कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास बस टोपोलॉजी बनेगी। या स्टार से बन रही है तो स्टार से देख लो, स्टार से नहीं बन रही तो फिर बस पे जाना होगा, ठीक है। मैथ को तभी यूज करना अगर आपसे कहा जाए कि हमें मोस्ट रिलायबल नेटवर्क चाहिए, ठीक है, उस केस में ही जाना है। होती है बस टोपोलॉजी में, बस टोपोलॉजी में ये होता है कि हमारे पास एक वायर होता है, उससे ड्रॉप लाइन निकाली जाती है, और ड्रॉप लाइन से हमारे पास कनेक्ट किए जाते हैं सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो हमारे पास ये बनी हुई है ए, और हमने यहाँ पे बी लिया था, यहाँ पे सी लिया था, और यहाँ पे डी लिया था। तो वायर हमारे पास ऐसे जाएगी, मतलब एक एक्चुअल में अगर हम देखें तो एक्चुअल में हमारे पास क्या होता है, यहाँ से एक वायर हम इस तरह से बना देंगे, और इस वायर से एक ड्रॉप लाइन यहाँ डाल दी, 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 ऐसे हमारे पास हो जाता है, ठीक है। सी पे क्या ड्रॉप लाइन मेन वायर जाए, मेन वायर नहीं, ड्रॉप लाइन जाएगी वहां से होते हुए जाएगी, सी से होते हुए फिर बाकी कंप्यूटर ऐड करने स्विच से हो जाएंगे, एक ड्रॉप लाइन लगा देंगे मेन स्विच में, ठीक है, मेन लाइन से एक ड्रॉप लाइन लगा के स्विच में कनेक्ट कर देते हैं, फिर स्विच से बाकी सब कंप्यूटर को उसके अंदर ब्लॉक में जितने भी कंप्यूटर हैं 125 हैं या 125 कंप्यूटर वे फिर बाद में स्विच से कनेक्ट होते हैं।
आज वो आ रही है, वॉइस ब्रेक हो के आ रही तुम्हारी। तो देखो बेटा यहाँ पर जो है क्वेश्चन में हमारे पास है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट टोपोलॉजी आपको बतानी। तो टोपोलॉजी तो आप या तो स्टार भी यूज कर सकते हैं या बस भी कर सकते हैं। केसेस है हमारे पास कि किस केस में कौन सी करनी है, कौन सा ब्लॉक हमारे पास सर्वर के लिए बेस्ट ब्लॉक हमारे पास वही रहेगा बी ब्लॉक। बी ब्लॉक में सबसे ज्यादा कंप्यूटर है तो बी ब्लॉक को ही सर्वर के लिए चूज किया जाएगा स्टार टोपोलॉजी के केस में। फिर हमें मुंबई से जो है एक नया जम्मू में हमारा ऑफिस है उनको कनेक्ट करना, मुंबई जम्मू की डिस्टेंस काफी ज्यादा है तो उनको कनेक्ट करने के लिए हमने आपको कल भी बताया था कि हम सैटेलाइट का यूज कर लेंगे, ठीक है, कल कराए थे आपको। और दादर ऑफिस को कनेक्ट करना मुंबई ऑफिस से तो एक ही सिटी के अंदर है तो हम मैन का यूज करेंगे और हब और स्विच जो है हम कहाँ पे रखेंगे हर ब्लॉक्स के अंदर होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, अगला क्वेश्चन भी हमारे पास इसी तरह का है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं इसमें क्या है, इसमें भी हमारे पास चार ब्लॉक दिए गए हैं। ये जयपुर में एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, जयपुर में उसके ये चार ब्लॉक दिए हुए हैं ए बी सी डी। हम यहाँ पे बना लेते हैं ब्लॉक को, एक ब्लॉक है ए, ब्लॉक की लोकेशन जो है प्लेसमेंट वो चेंज नहीं करनी है, ए बी सी और डी ये हमारे पास है। अब इसमें का ए ब्लॉक में 25 कंप्यूटर, बी में 50, सी में 150, ए में 25 है, बी के अंदर 50 है और सी ब्लॉक के अंदर 150 कंप्यूटर है, डी ब्लॉक के अंदर 10 कंप्यूटर है, ये दिया हुआ है बेटा। अब आपको क्या करना, डिस्टेंस बिटवीन ब्लॉक दे रखी है। सबसे पहले तो इनका लेआउट डिजाइन करेंगे, तो सर्वर कहाँ पे रखेंगे ये बताओ, कौन से ब्लॉक में सर्वर होगा, सी ब्लॉक में, यहाँ पे हमारे पास सर्वर हो गया। तो एक लेआउट तो सिंपल ये बन गया, सर्वर से सबको कनेक्ट कर दो, ये वाला लेआउट बन गया, ये हमारे पास स्टार टोपोलॉजी का लेआउट है, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी में हमें कुछ नहीं देखना है, बस हमें ये पता होना चाहिए किस ब्लॉक के अंदर कितने कंप्यूटर है, कंप्यूटर देख लिए हमने उसके अकॉर्डिंग ही लेआउट हमारा डिजाइन हो जाता है, ठीक है। बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं, उस वाले से ही सर्वर बना के बाकी सबको कनेक्ट कर दो। अब डिस्टेंस की भी बात दूसरी है, फिर आप डिस्टेंस देख लेते हैं यहाँ पे, इसमें हमारे पास कितनी कॉस्टिंग आएगी, कितनी वायर लगेगी। तो अगर आप देखें यहाँ से बी के बीच में 50 मीटर, ए और बी हमें बनाना ही नहीं है, ठीक है, बी और सी के बीच में जो है, बी और सी के बीच में 150 मीटर की डिस्टेंस है, तो बी और सी के बीच की 150 मीटर की डिस्टेंस हम यहाँ पे इसमें लिख देते हैं, यहाँ पे 150 मीटर है। लेकिन स्टार टोपोलॉजी का मतलब परफॉर्मेंस होता है, डिस्टेंस कम ज्यादा से उसको कोई लेना देना नहीं है। सी से डी के बीच में जो है हमारे पास डिस्टेंस है 25 मीटर की, तो यहाँ पे 25 मीटर की डिस्टेंस है। ए से सी के बीच में और देख लो कितनी डिस्टेंस होगी, ए से सी के बीच में ये दी हुई है 90 मीटर की, तो ये 90 मीटर की टोटल हमारे पास 240 और 25 265 मीटर वायर लगेगा इस, ठीक है, इतना वायर हमारे पास। अब अगर हम कहें कि हमें वायर मिनिमम रखना है तो लेआउट बनाओ, तो उसके लिए बेटा हमें क्या करना होगा, हमें बस टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होगा या डिस्टेंस दे रखी, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिजाइन करना। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं, यहाँ पर हमारे पास ले लेते हैं कि ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक और डी ब्लॉक। तो सबसे कम इसमें क्या लिखा हुआ है, 25 मीटर, सबसे कम क्या है 25 मीटर सी से डी के बीच में, तो सी से डी मिला दिया 25 मीटर। फिर 25 से बड़ा कौन सा, 50 मीटर ए से बी, तो ए से बी मिला दिया 50 मीटर। अब यहाँ पे दो ही लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ये भी हो सकती है वैसे, ये भी हो सकती है। अब देख लेते हैं पहले कौन सी हमारे पास बनेगी, इससे अगले नंबर पे है 90 मीटर ए से सी के बीच में, तो यही बन रही सीधी, ये हमारे पास बस टोपोलॉजी बन गई,
तो इसमें हमारे पास 140 और 25 165 मीटर का वायर लगेगा यहाँ। तो वायर के केस में यहाँ पे बस टोपोलॉजी हम यूज कर लेंगे, 165 मीटर में ही हमारे पास काम चल जाएगा। और अगर हमें परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग देखना है तो स्टार टोपोलॉजी का हम यूज कर लेंगे। तो दोनों में से कोई सी भी टोपोलॉजी यूज की जा सकती है। अब यहाँ पे आ जाते हैं वाट